होली के मैजिक को खत्म करेगी किन्नरों की महारानी महामंडलेश्वर हेमांगी सखी, वाराणसी से मोदी के खिलाफ लड़ेगी चुनाव। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती और मराठी पांच भाषाओं का अटूट ज्ञान, देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर, संकल्प सांसद बनकर लोगों की सेवा करना। किस पार्टी ने उतारा मोदी के खिलाफ, कैसे करेंगी देश के सबसे बड़े नेता का सामना, इतना पावर आखिर कहां से आया। भाजपा का हर प्रत्याशी सिर्फ योगी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी कोई भी हो, जीत के लिए चेहरा मोदी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि मोदी जी खुद चक्कर में पड़ गए कि अब कैसे वाराणसी की जनता को बस में करें, क्योंकि उनके खिलाफ मैदान में किन्नरों की महारानी महामंडलेश्वर हेमांगी आ गई हैं, जिनके आते ही भाजपा में खलबली मच गई। खैर, कौन है हेमांगी महामंडलेश्वर जो देश के सबसे बड़े नेता के सामने चुनावी मैदान में कूद पड़ी। कहानी को विस्तार से समझने के लिए बस थोड़ी देर तक इस खबर में मेरे साथ आपको रुकना पड़ेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के रण में इस बार एक मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं उनके सामने चुनावी रण में देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी को उतारा गया। जानकारी के मुताबिक अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उन्हें चुनाव टिकट दिया है। पांच भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली हेमांगी 10 अप्रैल तक वाराणसी आ जाएंगी। वे खुद घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगी। बता दें, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने बीते दिन उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। इनमें से सबसे खास नाम है महामंडलेश्वर हेमांगी का, जो मोदी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वो कहती हैं कि लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनकर वे किन्नरों को और उनके अधिकारों सम्मान दिलाने के लिए काम करेगी। वे कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अच्छा है, लेकिन किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। मुझे इस पर काम करना है। किन्नरों को भी नौकरियां, लोकसभा, विधानसभा, स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिलना चाहिए। उनका प्रतिनिधि भी सरकारी स्तर पर वर्गीक होना चाहिए, जो उनके हित में काम कर सके। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि किसी को या प्रधानमंत्री को हराना मेरा मकसद नहीं, बल्कि चुनाव जीतकर लोगों का विश्वास हासिल करना, किन्नरों को लोगों की नजरों में उठाना, उन्हें आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना मकसद है। इसके लिए राजनीति एक रास्ता है। हेमांगी सखी हेमांगी माँ उर्फ हेमांगी सखी पशुपतिनाथ अखाड़े की किन्नर महामंडलेश्वर है, जो प्रथम किन्नर भगवताचार्य हैं। वे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी में कथा सुनाती हैं। अब किन्नरों की ये महारानी मोदी के मैजिक को खत्म कर पाएगी या फिर नहीं, ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।